भारतीय दुल्ही निवासी अभिषेक जाटव 19 साल की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। मृतक के पिता सुंदरलाल जाटव शिक्षक ने थाना भौती में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा बेटा अभिषेक घर से दोपहर में टोडा खेत पर जाने की कहकर मोटरसाइकिल से निकला था। शाम 4:30 बजे मेरी पत्नी के मोबाइल पर अभिषेक का फोन आया कि वो मनपुरा हाट में है, मेरे साथ श्रीलाल राजदीप लवकुश हैं, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। पर 1 घंटे बाद जब वो नहीं आया तो मेरी पत्नी ने अभिषेक को फोन लगाया। फोन ना उठाने पर अब लवकुश के मोबाइल पर संपर्क किया। लवकुश ने बताया कि रायपुरा प्रतीक्षालय पर अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने भी अभिषेक से बात की तो उसने बताया कि मैं बचूंगा नहीं, मुझमें ज्यादा लग गई है। तुरंत मैं पड़ोसी के साथ घटनास्थल पर गया, लड़के को मनपुरा ले आया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह हत्या का प्रकरण दर्ज करने चौराहे पर जाम लगा दिया। घटना के दूसरे दिन सुबह परिजनों व समाज के लोगों ने मनपुरा चौराहे पर लाश रखकर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने परिजनों को समझाया और कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम पूरी ईमानदारी से जांच कर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया, पर पोस्टमार्टम के समय मनपुरा अस्पताल में भीड़ लगी रही। एसडीओपी दीपक तोमर ने बताया कि दुर्घटना है या हत्या, इसके बारे में जांच की जाएगी, अभी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, प्रकरण में फरियादी को न्याय दिलाया जाएगा। आपका नाम? सपना। आपके साथ क्या हुआ? मेरा बच्चा मार कर था। क्या नाम था बच्चे का? अभिषेक। कितनी वर्ष का था? 19। किन किन लोगों ने थे? घर वाले थे हमारे। कौन 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 था हमारा? एक घर वाले, किसी को सब पता है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम लवकुश। लवकुश कौन है? हमारे वही था साथ में, और दिन भर से उसे सब पता होगा, किसी ने भी मारो हो उसे सब पता होगा। घर से कब से गायब था वो? 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। हाँ, वो क्या कहेंगे, तो कल दिन ने फोन लगा लो पूछने भाई, तो जो कल आपके गाड़ी नंजे पापा आया, सुने बोले गाड़ी लेके, फिर मैं आ रहा हूँ जाने, अपने पापा फोन लगाओ, तो जितना आई से आए, तो फिर जैसे ही भी आया तो कल पापा मैं तू गा जा रहा हूँ, को फोन आ रहा है, मैंने जो कही मैंने बेटा काय को जा रहा होते बोले लवकुश को फोन आ रहा है, कला मैं गया था। फिर मेरी बात भाई 4 बजे में, तो जिस 4 जने हाट में थे, मान लो तो हमारा जेठ राजदीप और मैं मोड़ा अभिषेक और लवकुश, ये 4 ही थे। जो कला चाची हम बोले कही आधा घंटा में आ रहा है सब भी ले। कितने बजे बात हुई थी? 4 बजे। फिर आपके पास क्या सूचना मिली थी, कितने बजे मिली थी? मेरे पास मिली सूचना 6:30 बजे। 6:30 बजे क्या सूचना मिला था? जब सूचना मिली से पहले तो मुझसे कही वो चाची पिकअप बाय को मारो, बोले अभिषेक ने सुबह खून मुन कड़े आओ है, तो कला चाची हम टेम से आ रहे हैं। घटना स्थल कहाँ है? घटना स्थल है और रेप आगे ने थोड़ा फिर पीछा ला के जाता ना, और रेप आगे पाता ना बीच बीच, तो फिर वो सब मैंने कही रे कैसे हो गई लड़ाई, मैंने कही कौन से हो गई लड़ाई, मैंने की बता तो। फिर 10-20 मिनट पीछे मैं रोटी बना लाई, फिर मैंने फोन लगा, मैंने कही कह रहे, मैंने कही अभी से कहना नहीं, मैंने कही मैंने तो कह रहा चाची अभी से मैं कला बोले कही बैल में गाड़ी दे रही, तो अभी से तो बचे सो अभिषेक से बात करा जी, तो अभिषेक ने मुझसे बात करी, वो कह रहा मम्मी मैं तो बचू सो ही, मैंने जो कही थी बेटा सो कला मम्मी कछू ना ही कही बने, फिर उठे कही देखे और जी। सुंदरलाल जी क्या हुआ आपके साथ? मेरे बच्चे को किसी ने खून कर दिया था। कब? तो कल शाम के 6:30 बजे और 7 के समथिंग बीच में जी। लड़का कब से गायब था? लड़का 1:30 बजे से सर गायब था। तो आपने संपर्क किया? संपर्क किया सर फोन से। तो क्या बताया? लवकुश कह रहा था हम साथ में हैं, हाट में हैं, आ रहे हैं, हमारी टैक्सी वाले से लड़ाई हो पड़ी है और हम आ रहे हैं, बोले आते 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 शाम हो गई, फोन लगाया तो सर फिर ये बताया कि अभिषेक में कोई गोली दे गया है सर, और मैं जो उधर कूगा फिर निकल गया था, फिर मैं लौट के आया, मुझे मालूम आवाज क्या चला था। आपको कितने बजे पता चला था? मुझे पता चला सर 6:30 बजे के समथिंग सर। आपने पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? मैंने जैसे पुलिस को तो पहले नहीं दिया, पहले स्पॉट पे बच्चे की पर गया कहाँ घटना हुई, बच्चे को उठाया
बच्चे की ज़्यादा गंभीर स्थिति होने के कारण मैं हॉस्पिटल लाया कि जान बच जाए। हॉस्पिटल लाया अधिक गंभीर, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जी ऐसा कह दिया कि वो तो मृतक घोषित है। तो मृतक घोषित के बाद मैं थाना गया, थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अभी रिपोर्ट मतलब संदेहजनक में है, अभी छानबीन ही साफ कर रहे हैं अधिकारी वर्ग कर रहे हैं, छानबीन ही हो जाएगी। इसके बाद मुझे भी गाँव से सपूत मिले हैं या मिल रहे हैं कि इन इन लोगों का हाथ है। तो वो अब साहब जब मैं डेड बॉडी, किन किन लोगों का नाम है बता सकते हैं? हाँ मतलब अभी बता रहे हैं कि लोग बाग दुनिया को पता है, लपकुश को, राजदीप को। लपकुश कौन है? लपकुश मेरा बड़ा भतीजा, बड़े भाई का महिला लड़का है। और राजदीप? राजदीप बड़े भाई का बड़ा लड़का है। उनको सही जानकारी नॉलेज है कि किसने मारा, क्या इनका षड्यंत्र था, किसका हाथ है, कौन ने इनकी सुनी, कौन ने इनकी मतलब उनके दिमाग में कुछ बात है। मेरे दिमाग में अभी बात है स्पष्ट रूप से, मैंने दिमाग थोड़ा मेरी नहा डूब चुकी है सर। सुन मैं भारी मजबूर हो गया सर, अधिकारी शासन के विश्वास पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रशासन ने अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने जो दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी, बाल की खाल निकाल के दे देंगे सर। अभी तक तो इस विश्वास से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं सर। छानबीन अधिकारी कर रहे हैं सर, पोस्टमार्टम भी कराया है सर। इसके बाद भी छानबीन थाने में पहुँचेंगे, मुझे बुलवाएंगे, उनको संदेहजनक उनको बुलवाएंगे। मैंने साहब को कुछ नाम बता दिए हैं संदेहजनक में, जैसे लोगों ने मुझे किस किस के नाम बताए हैं? नाम हरी कृष्ण ओझा ने बताया जी। सर आज जो घटना हुई है, कल एक मर्ग कायम हुआ था, एक अभिषेक जाटव है, उनकी मृत्यु हुई थी। तो मर्ग पंजीबद्ध करके रात का समय हो गया, तो कल पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया। और जो भी उसमें साक्षी है उनके कथन लिए जा रहे हैं, जांच में जो भी जैसा आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी सर, उन्होंने अभी कुछ नाम लिखवाए थे, वो जांच में आएगा, सामने जांच होती है, उस जांच के अनुसार जो भी चीज़ें आएंगी उस अनुसार कार्रवाई होगी।